हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकास किचन। आज मैं आपको पनीर रैप बनाना बता रही हूँ। ये पनीर रैप बहुत ही इजी है और साथ में हेल्दी भी है। ये आप बच्चों के लंच में या इवनिंग स्नैक्स में भी इसको बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रेटेड पनीर, ऑनियन रिंग्स, कैप्सिकम, कोरिएंडर, ग्रीन चटनी, टमाटो सॉस, जिंजर, टमाटो, इसको मैंने छोटे छोटे से चॉप किया हुआ है, ये ग्रीन चिली है, 1 ग्रीन चिली चॉप की हुई, सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। फिर हम इसमें ये ग्रीन चिली, जिंजर, रेड चिली पाउडर, ऑनियन रिंग्स, इसको हम हल्का सा ये सॉटे करेंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है। कैप्सिकम, सॉल्ट। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। और साथ में ये टमाटो भी। कोरिएंडर, ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये सोया सॉस ऐड करेंगे। ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे। हमारी फिलिंग अभी रेडी हो गई है। अब हम इसको रैप करेंगे। ये हमारी लेफ्ट ओवर चपाती है। ये चपाती बच जाती है, उसका ये अच्छे से इसमें यूज किया जा सकता है। अब हम इसमें ये इसमें ग्रीन चटनी लगाएंगे। आप चाहो तो ये चपाती अगर फ्रेश बनाकर भी इसको बना सकते हो। अगर आपकी ये लेफ्ट ओवर चपाती है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही इसके ऊपर ये टमाटो सॉस, इसको हम अच्छे से इसमें अप्लाई कर देंगे। अब हम इसके ऊपर ये फिलिंग है, इसको हम रखेंगे। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, एकदम कलरफुल है ये। ये हम ऐसे इसको रैप कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा पैन में सेकेंगे। हमें हल्का सा बस गरम करना है। ये
ये देखिए ये अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा पनीर रैप रेडी है, इसको हम थोड़ा सा कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।